गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का पाठ है काम का सम्मान। आपने देखा होगा कि इसमें एक घोड़ा और गाय को लेकर के संवाद चल रहा है। ठीक है, घोड़ा कहता है कि मेरा काम अच्छा है और गाय कहती है कि मेरा काम अच्छा है। तो आइए अब हम इस पाठ की ओर आपको ले चलते हैं। देखिए घोड़ा क्या कहता है गाय से, अरे गैया अरे गैया, देख तुझे मेरा मालिक कितना सजा रहा है। गाय कहती है, तुझसे तो उसे सवारी का काम लेना है, वह तो अपनी शोभा के लिए तुझे सजा रहा है, तू यूं ही अभिमान कर रहा है। घोड़ा अब देखिए क्या कहता है, अभिमान क्यों ना करूं, अभिमान का मतलब है घमंड करना, जितना मेरा नाम है उतना तुम्हारा नहीं है, काम तो तुम्हें भी करना है और मुझे भी, शोभा किसकी ज्यादा है, वह तो मेरी ही है। गाय क्या कहती है, अरे मूर्ख, लगाम भी तो तुम्हारे ही मुंह में डाली जाती है। लगाम आपने देखा होगा, रस्सी डाली जाती है, चाबुके भी लगती हैं, मैं तो आनंद से चारा खाती हूँ, दूध देती हूँ, मुझे तुम जैसी दौड़ धूप तो नहीं करनी पड़ती है, गैया मैया भी तो मुझे ही कहा जाता है, क्योंकि मैं ही दूध देकर के सबके बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, बोलो तुम्हारा मान अधिक है या मेरा। अब देखिए घोड़ा क्या कहता है, वो सिर झुका लेता है और क्या बोलता है, मैं जानता हूँ कि चाबुके भी मेरे शरीर पर ही लगती हैं और मेरे मुंह में भी लगाम डाली जाती है, मुझे दौड़ धूप भी करनी पड़ती है, परंतु अपने बच्चों का हाल तो देख, उन्हें हल चलाना पड़ता है, भारी सामानों से लदी हुई गाड़ी भी खींचनी पड़ती है, रहट भी चलाना पड़ता हो है, देखा होगा आपने रहट चला के पानी निकाला जाता है ना, बड़े बड़े कुएं होते हैं, चाबुके और डंडों की भी मार भी खानी पड़ती है, उनकी नाक को सी करके उन्हें नकेल भी डाल दी जाती है, तुमने शादियों में मेरी शोभा कभी नहीं देखी है, कितना सजा होता हूँ, लोग मुझे कितना खाने को देते हैं। अब गाय क्या बोलती है, देखिए बात तो तुम ठीक कहते हो, ना मैं अभिमान कर सकती हूँ और ना ही तुम, हम दोनों ही स्वतंत्र हैं, हमें तो मनुष्य की नौकरी करनी है, क्योंकि गाय और घोड़ा दोनों ही मनुष्य के ऊपर ही आश्रित हैं। अब देखिए घोड़ा क्या कहता है कि बहन तुम ठीक ही कह रही हो। गाय बोली, तांगे वाले तुम पर अत्याचार करते हैं और गाड़ीवान मेरे बच्चों पर, मैं भी पराधीन हूँ, मेरे बेटे बैल भी और तुम भी, मनुष्य चाहे तो हमें खिलाए पिलाए सजाए, चाहे मारे पीटे, प्यार करे या सम्मान दे, हम उसी पर निर्भर हैं, कहा भी गया है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, इसीलिए हमारा अभिमान करना व्यर्थ है। मतलब हमें दूसरे के पे, जैसे किसी ने के द्वारा काम किया गया हो तो हमें उसमें सुख उतना नहीं मिलता है, अगर हम अपने आप से उस काम को करते हैं तो हमें ज़्यादा सुख मिलता है। इसी तरीके से देखिए अब घोड़ा क्या बोलता है, गाय बहन अब मैं समझ गया हूँ, सभी को अपना अपना काम करना पड़ता है, तुम दूध देती हो, जब मालिक शहर जाता है तो मैं तांगा खींचता हूँ या भार ढोता हूँ, तुम्हारे बच्चे बोझा ढोते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, बैलगाड़ी खींचते हैं और रहट से पानी भी निकालते हैं, मैं सच्चाई जान गया हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम सब जीव बिना काम किए बैठे तो नहीं रह सकते, इसलिए अपने अपने काम का हमें सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या संदेश मिला है कि इस धरती पर सभी जीव अपना अपना काम करते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी को अपने काम का सम्मान करना चाहिए, जो जिसके लिए काम दिया गया है उसे अपना काम वैसे ही पूरा करना चाहिए, उसके लिए वही सम्माननीय काम है। जैसे आप लोगों के लिए पढ़ाई दी गई है तो आपको पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाने के लिए दिया गया है तो हमें पढ़ाना है, इसीलिए देखिए भले ही कर्म का परिणाम सदैव सुखद ना हो पर कर्म के अभाव में भी सुख नहीं मिलता है, अगर हम नहीं काम करेंगे तब भी हमें सुख नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।